एग्जांपल नंबर 20 हमारे पास यहां पे फंक्शन गिवन है जिसमें हमारे पास वैल्यू वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन और माइनस थ्री है। हमें यहाँ पे ना वो फंक्शन निकालना है जो मतलब जिनकी ये वैल्यू है। क्या मतलब है इसका कि x के लिए वन है, y के लिए वन है, x के लिए टू है, y के लिए थ्री है, x के लिए जीरो है, y के लिए माइनस वन है, x के लिए माइनस वन है, y के लिए माइनस थ्री है। अब मुझे ऐसा कौन सा लीनियर ऐसा कौन सी इक्वेशन है जिसकी ये वैल्यू है। अब मुझे पता है कि एक लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप लोग 10th चैप्टर के अंदर पढ़ोगे ये 9th इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और जिसमें m होता है स्लोप, ये हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर के अंदर, और सी होता है इंटरसेप्ट। अब मुझे ये इक्वेशन निकालनी है, इस फॉर्म की इक्वेशन निकालनी है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब यहां से मैं जीरो वाला कांसेप्ट उठा लो, पी एक्स के लिए कितनी है जीरो और वाई के लिए कितनी माइनस वन, तो हम इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस वन और एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा जीरो प्लस सी। तो यहां से क्या आएगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस सी और सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। अब मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, अब मुझे एम की वैल्यू भी निकालनी है। अब एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई और वैल्यू उठा लो, मैं फर्स्ट वाली वैल्यू उठा रहा हूँ, एक्स के प्लेस पे वन आ गया, वाई के प्लेस पे भी वन आ गया, तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा वन, फिर m, x के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा वन, फिर c के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस वन। तो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस का वन है, वहां जाके प्लस का वन हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई। मतलब मुझे किसी भी तरह m और c की वैल्यू निकालनी है। अब इस m और c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू m के प्लेस पे क्या आएगा टू और x के प्लेस पे जल्दी c के प्लेस पे क्या आएगा माइनस वन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिस इक्वेशन से ये वैल्यू निकली हुई है। आप कोई मर्जी x के लिए पुट करो, मान लो मैं x के लिए 2 पुट करता हूं तो y के लिए 3 आएगी, x के लिए -1 पुट करूंगा तब y के लिए -3 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तब भी y की वैल्यू 1 आएगी। मतलब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई कि इन पॉइंट्स की लीनियर इक्वेशन आ गई। एग्जांपल नंबर 11 का अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसका हमारे पास फंक्शन गिवन है a, b और a * b a + b, ये बताने की फंक्शन है। यानी जैसे देखो यहाँ पे हमने लिया ए बी लिया और यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। अब यहाँ पे मुझे ए बी लेना है, ए का मतलब है दो एलिमेंट की प्रोडक्ट ले लिया। मान लो मैंने ले लिया ए के प्लेस पे मैंने मान लो ले लिया जीरो ले लिया और बी के प्लेस पे वन ले लिया, तो जीरो इंटू वन क्या आएगा जीरो आएगा, और जो अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा जीरो प्लस वन क्या आएगा वन आएगा। क्लियर, मैंने यहाँ पे क्या किया जीरो कोमा वन रखा, तो जीरो जीरो को वन से करेंगे क्या आएगा जीरो आएगा और जीरो प्लस वन क्या आएगा वन आएगा। फिर मैंने ले लिया जीरो कोमा माइनस वन, मतलब ए की वैल्यू जीरो लेंगे बी की वैल्यू माइनस वन ले ली, तो जीरो को माइनस वन से करेंगे तब भी क्या आएगा जीरो आएगा और जीरो माइनस वन क्या आएगा माइनस वन आएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जीरो की दो इमेज आ रही है, जीरो की वन इमेज भी आ रही है और जीरो की इमेज माइनस वन भी आ रही है, इसलिए फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होता था, हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज इन ईच एंड वन एलिमेंट इन द इमेज बी, हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं, क्योंकि जीरो की इमेज भी बना रही है और जीरो की इमेज माइनस वन आ रही है। दोबारा देखते हैं यहाँ पे क्या किया, मैंने दो एलिमेंट लेने थे, दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग करते थे, और यहाँ पे मुझे उन दो एलिमेंट की प्रोडक्ट लेनी है, यहाँ पे मुझे उन दो एलिमेंट की एडिशन लेनी है। तो मैंने क्या किया, ए के प्लेस पे जीरो पुट कर दिया, बी के प्लेस पे वन पुट कर दिया, तो जीरो टू वन क्या आएगा जीरो आएगा, जब मैं जीरो प्लस वन पुट करूंगा तो वन आएगा, जब मैंने जीरो और माइनस वन लिया तब जीरो आ रहा है, तो जीरो और माइनस वन क्या आ रहा है माइनस वन आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, जीरो की ये दो इमेज आ रही है, एक वन इमेज आ रही है और एक माइनस वन इमेज आ रही है, इसलिए फंक्शन